ओ भाई क्या कूल क्या मैंने। हेलो दोस्तों, ये हूँ मैं, इस कहानी का सबसे मेन किरदार, और ये है मेरे कुछ प्यारे से दोस्त, इस कहानी के मेरे से भी ज्यादा मेन किरदार। तो आइए दोस्तों, तुम्हें मैं अपनी नजरों से और मेरे कुछ प्यारे दोस्तों की नजरों से कश्मीर घुमाता हूँ। 1, 2, 3, 4 I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. दोस्तों ये है हमारा ग्रैंड वेलकम यहाँ पे। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर जगह पे जिसका नाम है दूधपत्री, और ये कश्मीर में काफ़ी ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है और क्या कहते हैं अंडररेटेड जगह है। अभी हम रेडी हो रहे हैं, जूते वूते पहन रहे हैं, निकल रहे हैं बस। वैसे हमें 10 बजे निकलना था और अभी 12 बज रहे हैं। अभी हम यहाँ से शिकारा में बैठेंगे, शिकारा से हम जाएंगे हमारी गाड़ी की तरफ, गाड़ी से हम जाएंगे सीधा दूधपत्री। I am not a witness here to call you in for the things that you done or the thing that you did. And I'm not the shadow of anyone you've been. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend. तो है दोस्तों, मेरा एक नया दोस्त है जिसका नाम है राजू, और भाई आपको क्या नाम है? शौकत। शौकत भाई, राजू भाई और मैं, हम जा रहे हैं दूध गंगा देखने। और अभी ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बार आप दूर नज़ारा देखिए। अभी हम ऊपर जाके आपको मस्त गाने सुनाएंगे और थोड़ा खाना खाएंगे, ऊपर जाके मिलते हैं। बाय दोस्तों, उनको साथ लाऊंगा। ठीक है, फोर्थ पिलर, फोर्थ पिलर टू कंट पूरा वो है भाई, हद्दा है। थोड़ी खुशियां यही है, यही है, यही है चाहूं। इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना अभी, क्योंकि बहुत ही सुंदर है यार ये जगह जो दूधपत्री है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो दूध गंगा है वहाँ पे पहले दूध बहा करता था, अब पानी को भी ऐसा बोलते हैं कि वो दूध की तरह ही है, वाइट वाइट पूरा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, और मैंने अभी जो मेरी फेवरेट जगह बन गई है, मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ वो पूरा, ठीक है, कैसा कितना सुंदर लग रहा है अभी दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं स्केटिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सड़क है ये देखो।
आ जाओ चल दिए। आ जाओ हाँ सर सर वो ताली मारते हुए जाइयो वो ताली मारते हुए जाओ दोस्तों आज है हमारा कौन सा दिन है तीसरा दिन है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर ट्रैक पे स्मिक्तन टॉप करके एक जगह का नाम है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं गया हूँ। तो अभी हम निकलने वाले थे 8 बजे और अभी एग्जैक्ट बज रहे हैं 11:50, तो हम 4 घंटे ऑलरेडी लेट हैं और अभी हमें बोला गया वापस आ जाते रात के 2 या 3 बज जाएंगे, तो लेट्स सी क्या बनता है। और हम सोए नहीं है, हम सुबह 7:30 सोए थे, खेल रहे थे पूरी रात। 3:30 हो चुके हैं, हमें 8 बजे निकलना था और हम 12 बजे निकले घर से। अभी जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब दिखा सकता हूँ बता नहीं सकता। अगर आप कश्मीर नहीं आए हो और अगर आपको इस जगह के बारे में नहीं पता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, इस जगह के बारे में कुछ भी जानना है हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ऊपर जाके मिलता हूँ। बाय दोस्तों। दोस्तों हम आ गए हैं सिंथन टॉप। ये कश्मीर में एक बहुत ही अंडररेटेड, बहुत ही प्यारी जगह है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं स्केटबोर्ड भी साथ लेके आया हूँ और BNK का ये सेकंड ट्रिप है कश्मीर का और हम कोई भी जगह रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और इस जगह के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप BNK के इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। यहाँ से भी उस आपने देख लिया, रास्ता भी देख लिया, चलो अब थोड़ा आपको स्केटबोर्ड के स्टंट दिखाता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, फिर गाना सुनता हूँ। ब्लैक एंड वाइट I'm not.
20 minutes later. When did you learn skating? 4 din. This is my 5th time. Yeah. Never did it. No. I'll learn it next time. वीडियो बनाइयो, ठीक है? वीडियो बनाइयो, बात तो देख, स्टंट मारता हूँ। I haven't learned. मैं मिस कर रहा हूँ। I know a friend. Oh nice. वो कर दिया, yes. बाबा को लग चुकी है, स्केटिंग कर रहे थे, बाबा लग चुके हैं, बाबा को अंदर में चोटें लगी हैं। कैसा लग रहा बाबा? बाबा कहाँ का लगी है? I'm a bit conscious right now. बाबा व्यू सुनवा लियो? हाँ. व्यू सुनवा लियो? रुबेन. ओ पानी दे, पानी दे, पानी दे. गिर गया. तो रुबेन क्या बोल रहा है? मेरा क्या, मैं क्या हूँ? चीज़ हाँ ठीक हो गया. कैसे गिरा? ज्यादा गिर गया? हाँ वीडियो में आया. देखा देखा, मैं पहले वीडियो देखो, पहले वीडियो चल रही है. नहीं लगी है. लगी है भाई. ये तो इतनी सी लगी है, ठीक है. दोबारा गिरना चाहिए. कंटेंट मिल रहा है भाई ये तो. अच्छा. Meanwhile. कराइए तो रीफ से. मेमोरी फुल. आ जाओ. स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट. सो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद BNK. प्रीवियसली फ्यू माय फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मुस्कान मित्तल, शी हैज़ बीन टू विच प्लेस? मुस्कान मित्तल, पुष्कर. पुष्कर, शी हैज़ बीन टू पुष्कर एंड स्पर्श गोल वेंट टू गोकर्ण विद देम. अ लॉट ऑफ ट्रिप्स. दे हैड अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट दिस BNK, बट आई अनलाइक अनलाइक मिस्टर चौहान. नो नो. सो आई लाइक कि इतना ही क्या स्पेशल होता होगा, ऐसी तारीफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. नो सो नाउ राइट नाउ आई एम ऑन माई फर्स्ट ट्रिप विद देम एंड राइट नाउ वॉट आई बिलीव इज लाइक नो द स्पेशल थिंग is nothing like different, but it's like these people live the moment, like you know, wherever they are going, they are not in a rush to reach any particular place or reach any particular destination. There is no destination as such, so they can just sit in any random place, they can play songs, they can feel the vibes, and they just live the moment. So this is the best thing that is best about BNK, and this you can feel only by coming with BNK. So this is not any promotional video or anything like that. I just want to tell you that if you come, you will enjoy and you will feel why BNK is the best. And this guy Ruben, he is one of the best, amazing organizer of this solo. So yeah, so I just want to tell you what I'm feeling right now, that I'm feeling very peace of mind, like you know, if you jaldi bol kal subah panvel nikal look and obviously for the and all the best, Shubham Chauhan. That's it. Signing off. And yeah, I am also willing to become the fourth pillar of them. Like, you know, they are three organizers right now. And they are in a... बंद कर दिया. नहीं चल रहा है. वो डिस्प्ले ऑफ डिस्प्ले ऑफ हो गया. वो डिस्प्ले ऑफ पक्का. हां चल रहा है, रेड लाइट जल रही है. सो या सो आई एम विलिंग टू बिकम द फोर्थ ऑर्गेनाइजर, फोर्थ पिलर ऑफ दिस. ये तेरा साइन था जैसे इसने स्टार्ट करा, गया यहां का डिस्प्ले, गया एक स्क्रीन है यहां पे गोप्रो. मजाक कर रहा ना, बंद कर दिया ना. नहीं चल रहा है, मुझे बताइए. हाँ, आई विलिंग टू बिकम द फोर्थ पिलर ऑफ दिस BNK ग्रुप. आई एम ट्राइंग टू एड ऑन द एक्टिविटीज, आई एम ट्राइंग टू एड ऑन द फन. चाहे मेरे को अपने पर बेसिस लेनी पड़े, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द फोर्थ पिलर. तो हमने कितने टेस्ट कर लिए? वी हैव डन टू टेस्ट, टू पर्सनैलिटी टेस्ट. सो दीज आर पर्सनैलिटी टेस्ट दैट मेक्स यू नो अबाउट यूर सेल्फ. टू टेस्ट आर लेफ्ट, वन इज फॉरेस्ट टेस्ट एंड वन इज कास्टिंग काउच. थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा तू नए नए पोज देना.
ये पोज हो गया, नेक्स्ट डे हाथ ऊपर करके, वो अच्छा आ रहा है ना, शैडो आ रही है। हाँ 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 हाँ, नाइस हो, नाइस हो। यस, फील फील द नेचर, फील नेचर। सोच समा रहा है तेरे अंदर पूरा क्लाउड, ऐसे समाएगा पूरे बाहों से, पूरी बाहें खोल। हाँ, और बाहें खोल। यस, अब थोड़े शाहरुख खान जैसे, वो जैसे वो नहीं होता, शाहरुख खान ऐसे करता है, एक पैर बेंड होके ऐसे हाथ ही फैलाना। मैं हूं ना वाला भाई, हाथ फैलाओ। हाँ, नाइस नाइस, दूसरा हाथ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा राइट पे कर वो हाथ। या नाइस 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 नाइस, थोड़ा और झुक पीछे की तरफ। हाँ, ज्यादा नहीं झुकना, गिर जाएगा। बस ठीक है, अच्छी है। हेलो दोस्तों, तो यार दोस्तों आज है डे फोर, कश्मीर में डे थ्री है, कल है डे फोर, पहला दिन डल लेक पे था। अच्छा डे फोर है, कल डे फाइव होगा, लेकिन आज थर्ड नाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने नाइट कंप्लीट करी नहीं है दोस्तों। मुझे पता है हम बहुत क्यूट लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं जैकेट्स में, और जितने हम फ्रेश लग रहे हैं ना, हम सोए नहीं है रात से, एक सेकंड भी नहीं सोए। कल की रात बहुत फन किया, बहुत सारे गाने गाए, नए दोस्त बनाए, कश्मीरी नए दोस्त बनाए, और मतलब बहुत मज़ा आया। तो आज हम जा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है, रूबेन मुझे और जतिन के अलावा सब बहुत एक्साइटेड हैं, 10 बार पूछ चुके हैं कहाँ जाना है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि BNK। तो यार दोस्तों, अभी तक आपने जो पिछले एपिसोड देखे वो बहुत फन थे ना, आज वाला नज़ारेदार 50 रुपये काटे उसके, तुझे सब सोनमर्ग, थैंक यू। हाँ भैया देखो, सुन लो भैया, बोल रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ओ, 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 ये लो।
तो यार दोस्तों ये अखरोट अखरोट नहीं, ये है प्यार जो कि मिला है भाई के दोस्तों से। दोस्तों ये कश्मीरी अखरोट है जो हमें इश्तियार भाई के दोस्तों ने दिए, सबको मिला है फ्रेश आउट ऑफ फार्म। रूबेन तूने लास्ट टाइम अखरोट कब देखे थे यार? बचपन में तेरे। खाने वाले पूछ रहा हूँ। मेरे हाँ वो यार। चलो दोस्तों, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ना, इस गाड़ी में दो दिन के बाद नंबर मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं यह है नाथ धाम की पहली रोड। तो अभी तो कोविड की वजह से दो साल से अमरनाथ यात्रा लगातार कैंसिल हो रही है, लेकिन अगर वो स्टार्ट होती तो दोस्तों यहाँ बहुत रौनक होती। और बाय लक हम जा तो कहीं हो रहे थे, लेकिन हमें बहुत सारा टूरिस्ट आ जाए, अच्छी तरह इंजॉय करे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी आए हम सब चीज़ें अच्छी तरह हो अपना करे, कोई प्रॉब्लम। राशिद भाई वही बता रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए। रवि मयंक और मेरा ब्लॉग जो भी देख रहे हैं, और आप यहाँ पे अच्छे बिना टेंशन लिए आ सकते हो, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको राशिद भाई जैसे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको मस्त घुमाएंगे और जगह के बारे में भी बताएंगे। तो यार दोस्तों हम एक बहुत मस्त जगह पहुँचे। सौरभ इस जगह का नाम क्या है? क्या है पूछ रहा हूँ? चंद्रबारी। ये इसने मयंक ने ये मूवीज में नाम सुना सुना है? मैंने नाम सुना है पुरानी मूवीज में ना, चंदनवारी, पहलगाम, यस अमरनाथ से स्टार्ट होती है, यहीं से अमरनाथ स्टार्ट होती है। और इस जगह का नाम है चंद्रबारी। और ये देखो आप कितना सुंदर है, लाइक पूरा स्ट्रीम ऐसे बह रहा है। और अभी हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर चिल करने वाले हैं वो वहाँ से। और ये सब आ गए। चंद्रा 96 इज हियर, नॉट सो फनी, नॉट सो फनी, क्या नाम है? दोस्तों मैं चांदनी मूवी की जहाँ पे शूटिंग हुई थी, चंद्रमुखी जहाँ पे शूटिंग हुई, इस जगह पे ना रॉकस्टार मूवी की भी शूटिंग हुई है, रॉकस्टार और बेताब की भी शूटिंग हुई है। शीला के जमाने हैं वो, तो मैं दिखाता हूँ तुझे चल। दस है भाई। दोस्तों हम बेताब वैली आए हैं और टिकट लेने लगे, खरीदने लगे। Meanwhile ओ लग जाए किसी के, हेलो क्यों नहीं लगेगी? क्या कर रहे हो यार? मत मारो भाई, लग जानी है किसी के। अभी लगी तो गाड़ी पे आंटी को लगी, अब देख तो पागल पागल है भाई। हाँ आंटी के पागल हो गए हैं। ये है बेताब वैली। यहाँ पे जो जो भी है मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, बट आई विल शो यू। आ जाओ खा लो। और बताओ कौन सा सुनोगे? क्या हुआ तेरा वादा सुनोगे? हैं पहले तो सुना है आपने, बताओ कौन सा गाना? चलो एक और गाना सुना दो, ठीक है? कसम वो इरादा भूलेगा दिल
जिस दिन तुम वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। मस्त खुश बढ़िया बढ़िया। दोस्तों दोस्तों टाइम हो रहा है 7, आपको दिखेगा नहीं बट 7:43, और हम सुबह से घूम रहे हैं, और मतलब ऐसे रात से सोई नहीं है, लेकिन सुबह से हम शूट करने निकला हुआ था मैं, और मैंने बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स लिए, बहुत प्यारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत प्यारे व्लॉग्स बनाए हैं। तो अभी ये जो बोट हाउस है इसका नाम है ओलंपियस, यहाँ हम रुकते हैं। ये हमारे भाई की है, वसीम भाई की, जिनको जो हमें बहुत ही प्यार करते हैं, हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम बारी बारी इधर ही आ जाते हैं। दोस्तों हम ना शॉपिंग करने हैं, हम से मेरा मतलब है ये देखो, यहाँ कवाली फंक्शन होने वाला है, एवेलेबिलिटी ऐसी है ही नहीं। एक ये रहेगा सर, ये रहेगा रिवर्स बूस्टर, ये भी रहेगा सर। नहीं मत कर, मत ये चल सर, मैं कलर इसके बाद दे दूंगा। इसको यहाँ से ओढ़ा 1500। दोस्तों अभी हम एक दुकान पे आए भैया की, बहुत अच्छी, अभी वो लेकिन पीछे देखा था सर, शॉपिंग तो कोई कहीं भी कर देगा, लेकिन शॉपिंग हम कहाँ कर रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, दिखाता हूँ आपको। आपने जो पीछे देखा ना सर, वो उम्री का। जी हाँ दोस्तों, हम डल लेक के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, पानी के अंदर, समझ रहे हो आप। तो ये शॉप पानी के अंदर है और हम डल लेक के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, देखो एक बार। एक आता है मैडम ये वाला। दोस्तों तो ये था हमारा कश्मीर का कुछ दिन का टूर, जिसमें हमने बहुत सारी जगह घूमे, दूध पत्थरी गए, सिंथन टॉप गए, और पहलगाम गए, बेताब वैली गए। तो अगर आपको इनमें से किसी भी जगह के बारे में जानना है या कश्मीर के बारे में कुछ भी जानना है, तो मेरे को बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। और अगर आप भी हमारे साथ घूमने आना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बिन नक्शे कदम के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। देखो दोस्तों, हम तो घूमते रहते हैं, आपको भी मस्त घुमा लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग पे। इस व्लॉग पे प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपने प्यार से दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो और घंटी भी दबा देना। ओके बाय। तो दोस्तों हम लेट हो चुके हैं और हमारी ट्रिप खत्म, और ये थे हमारे प्यारे वसीम भाई। एज यूजुअल वसीम भाई बोल दो लाइक करने के लिए। जी चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए भैया को, और कुछ कश्मीर में कुछ हमारे लिए गुड विशेस, कुछ भी मतलब प्यार से व्यूअर्स के लिए कुछ विशेस, कुछ विशेस आप बोलो कि क्यों आपके पास आए, कश्मीर क्यों आए, वो बताओ कि आप वो मैजिक ट्रिक दिखाओगे। एक्चुअली आप आ जाइए कश्मीर, आ जाइए, स्पेशली बाबा के साथ आ जाइएगा, इनके साथ जो मजा होता है वो आपको किसी के साथ नहीं मिलेगा। अरे वाह। दोस्तों ये वसीम भाई, आप जब भी कश्मीर आओ इनके पास आना, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे। ये हमारी लास्ट शिकारा राइड है इस ट्रिप की। और यार दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरी नज़रों से कश्मीर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ना, कमेंट छोड़ना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, आप अपने फेलो ट्रैवलर्स को, दोस्तों को, घर वालों को भी दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे इंडिया के प्लेसेस के व्लॉग्स, या फिर कभी मैं बाहर गया तो वहाँ के भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके, हेल्प हो सके। तो यार सब्सक्राइब यहाँ से ज़रूर कर लेना। उसके अलावा भी अगर आपको सच में दिल से कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे DM कर दो और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाय दोस्तों। ना जाने कैसी मासूमियत है जतिन जी के चेहरे पे, ना जाने कैसी मासूमियत है जतिन जी के चेहरे पे, कि उन्हें सामने से ज़्यादा छुप के देखना ज़्यादा अच्छा लगता।